गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्लेटलेट्स। आज आप लोगों को ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए, ब्लड को दो भागों में बांटा था, एक सॉलिड पार्ट, लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था और थ्रोम्बोसाइट था। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाइड कर चुके हैं, आज थ्रोम्बोसाइट को करेंगे। तो देखिए, जो थ्रोम्बोसाइट सेलें होती हैं ये मैमल्स के ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए, मैमल्स ये क्या होते हैं, मैमल्स में वुमन बीन आता है, कैमल आता है, रैट आता है, चूहा आता है और जो भी मतलब स्तनधारी आते हैं उनको मैमल्स में रखा गया है। तो देखिए, थ्रोम्बोसाइट सेलें मैमल्स के ब्लड में प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करती है, मतलब थक्का बनाने में ये हेल्प करती हैं। और इनकी संख्या 250,000 प्रति घन मिलीमीटर तक होती है हमारी बॉडी में। और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक प्रकार से अब्सेंट होता है। तो बस इतना ही था ब्लड प्लेटलेट्स। अब देखिए, बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड की। तो देखिए, फंक्शन ऑफ ब्लड में क्या है, तो जो ब्लड होता है वो बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखता है, यानी हमारी बॉडी का जो भी ताप होता है, ताप को नियमन करना, एक प्रकार से उसे कंट्रोल करना, उसका काम होता है किसका, ब्लड का। ब्लड के थ्रू ताप नियमन किया जाता है। अब देखिए, सर्कुलेशन एवं अदर सब्सटेंस, जो भी देखिए अदर सब्सटेंस का मतलब अन्य पदार्थ हुए, जैसे टॉक्सिन हुआ, हार्मोन हुआ, उनको ये क्या करता है, सर्कुलेशन करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हेल्प करता है ब्लड। और देखिए, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब देखिए, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ कि यह रुधिर के थक्का बनाने में हेल्प करता है। आगे आप लोगों को बताया है, ये देखिए थ्रोम्बोसाइट सेल है, इनका वर्क ही है ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करना है। तो यही वर्क हो जाएगा किसका, ब्लड का भी। और देखिए, हमारी जैसी बॉडी में कई चोट वोट लग जाती है तो क्या होती है, जो मतलब टी लिम्फोसाइट सेलें होती हैं वो घाव को बनने में हेल्प करती है। तो ये भी फंक्शन हो जाएगा ब्लड का। आगे आप लोगों को डब्ल्यूबीसी में पढ़ाया है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। चौथा देखिए, इसका फंक्शन टू कैरी द एक्सक्रीशन प्रोडक्ट। अब देखिए, जो भी हमारी बॉडी में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ में देखिए जैसे अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, यूरिन एसिड हुआ, मतलब यूरिन हुआ, तो ये क्या करता है, जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल होता है उनको एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है। ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस नहीं करता है, एक्सक्रीशन में मेन रोल प्ले करता है किडनी। आगे आप लोगों को बताएंगे तंत्र में ये क्या होती है किडनी। तो ये बस इसका ये कार्य होता है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हेल्प करता है। तो यही होती है ब्लड के फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस टॉपिक को अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। अच्छा टॉपिक है ये। कल आप लोगों को लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा पढ़ाएंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।